नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। साथियों, मैं बता दूं कि मैं पटना में हूं और पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू मेरी तबीयत खराब है। आप लोग जानते ही होंगे कि पटना में डेंगू का काफी छात्र यहां पे पढ़ाई करते हैं, वो शिकार होते जा रहे हैं और शायद मैं उसी लक्षणों में मैं भी 2-4 दिनों से बीमार हूँ और उसी देशद्रोही डेंगुओं का मैं भी शिकार हो चुका हूँ। देख सकते हैं 2-4 दिनों से अभी तबीयत खराब है और जब भी मैं ठीक हो रहा हूँ तो फिर भी फीवर नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं मैं डेंगू का शिकार हो चुका हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं गर्म पानी का मैं सेवन कर रहा हूँ और साथ में आप कोशिश करें कि ये जो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोल, इसका प्लीज इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप लोग पता है कि फीवर हो जाने से इंसान के शरीर टूट जाती है। तो मैं बता दूं कि अभी पिछले जब भी चुनाव था, मैं चुनाव में जितने भी प्रतिनिधि खड़े हुए थे, वार्ड हो, मेयर हो, उपमेयर हो, मैं सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके आगे बढ़ रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम डेंगू भगाएंगे, हम नल जल योजना के साफ सफाई रखेंगे, पटना को एकदम बिल्कुल क्लीन बना देंगे। अरे, वो सब बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई, अवकात पता चल गई इतना ही दिनों में। जो झूठे वादों को लेकर के आप लोग उमड़ पड़े थे, लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वह मूर्ख पकड़े गए अभी जो मूर्ख अपनी बातों को बना रहे थे। जब मैं बता दूं साथियों कि जिस समय ये प्रचार प्रसार चल रहा था, ये लोग घूम घूम करके हर गली में दिन में 2 या 3 बार डेंगू का वो जो होता है स्प्रे करवाना, मलेरिया फाइलेरिया को जो ख़त्म करने के लिए वो स्प्रे बिल्कुल करवाया जा रहा था। और आज मैं बता दूं कि कई दिनों से ये काम बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पे जो पटना के मेयर प्रत्याशी हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ और जो भी वार्ड कमिश्नर प्रत्याशी हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, और जो भी फिलहाल में जिनकी पोस्ट थी मेयर के लिए, अपने मुंह छुपा कर कहाँ बैठे हैं, कहाँ गई उरास लीला आपका, इतने दिनों से लोगों को उल्लू बना रहे थे और आज इतना ही दिन में जब सरकार किसी कारणवश या वो फेस्टिवल हो या किसी कारणवश अगर चुनाव को रद्द कर देती है, पोस्टपोन कर देती है, तो आप लोग बिल्कुल रुधिर हो गए हैं, केकड़े की तरह हो गए हैं। ये सब जो है भावना है और इस भावनाओं के साथ आप लोग पब्लिकों के साथ खेला कर रहे हैं, खेल नहीं खेला कर रहे हैं। डेंगू की शिकार अगर आप कहीं पे भी हैं, मैं माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी कुमार यादव जी से कहना चाहता हूँ, अगर कभी मौका मिले तो कहीं लॉज में जाकर देखिए, पटना की गलियों में घूम कर देखिए जिस प्रकार से रात में आप स्वास्थ्य विभाग PMCH में जाते हैं। अगर एक बार घूमेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने सारे बीमारी पड़ी हुई है और कितने सारे छात्र बीमार पड़े हुए हैं। छात्र तो छोड़िए, पटना के रहने वाले पटना वासियों भी आज हर घर में बीमार पड़े हुए हैं। कहीं वैक्सीनेशन का शुरुआत नहीं कराएंगे, पार्टी बनाने से कुछ नहीं होगा, पार्टी को बनाकर रखने से सब कुछ होगा। आप देश के भविष्य हैं तेजस्वी जी, और मैं आपसे विनती करता हूं कि छात्र और मेरे जैसे पत्रकार और पटना वासियों में बहुत सारे पटना वासी अभी बीमार पड़े हुए हैं, जो आज मैं 4 या 5 दिनों से मैं अभी किसी फील्ड में नहीं गया, मेरी रिपोर्ट नहीं गई, इसलिए कि मैं बीमार से पीड़ित हूँ। शायद मुझे डेंगू हो गई है और पिछले चार पाँच दिनों से मैं झेल रहा हूँ। तो आपको आगे आना पड़ेगा और आप एक नवयुवक हैं, आप हमेशा बताते हैं कि मैं नवयुवक हूँ और नवयुवक के साथ हूँ। तो रोजगार से सबसे बड़ी चीज़ है अभी डेंगू का शिकार हुए पब्लिकों का सेवा करना। और यहाँ के पटना वासियों से मैं विनती करता हूँ कि आप अगल बगल जितने भी जहाँ पे भी हैं, कचरा ना फैलाएं, क्योंकि और साफ सफाई में रहें, मच्छरदानी के साथ रहें, क्योंकि मच्छरदानी में रहेंगे तो आपको नहीं काटेगा और आप डेंगू का शिकार
में ही होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप जरूर कमेंट्स में करके जरूर बताएं कि किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, या अभी जो हम लोग निर्णय लिए हैं, या जिस प्रकार से मैं अभी जिस दुर्दशा में हूँ और इस दुर्दशा को आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ, क्या सही है या गलत है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप लोग कमेंट्स में बताएं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, और इंस्टा पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।